बिहार में एक बार फिर पोस्टर वार देखने को मिल रहा है। दरअसल आरजेडी ने पटना के मुख्य चौराहे पर एक पोस्टर लगाया है जिसमें बिहार विधानसभा का मुख्य द्वार दिख रहा है, जिसके आगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री रेणु देवी बैठी दिख रही है। दोनों ही के आंखों पर काली पट्टी बंधी है, जो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि सरकार जनता पर ध्यान नहीं देती है। पोस्टर पर लिखा गया है कि आइए धृतराष्ट्र रूपी बिहार सरकार में आपका स्वागत है। इसके अलावा पोस्टर में दोनों तरफ काफ़ी सारी तस्वीरें लगी हैं जिनमें बिहार सरकार की खामियां दिखाई गई हैं। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज नारायण सिंह जुड़ चुके हैं। मनोज नारायण जी, ये जो विधानसभा घेराव से पहले ही इस तरह से जो तस्वीरें सामने आई है, क्या कुछ कह रही है? देखिए मनीष, बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है और 24 मार्च तक ये बजट सत्र चलेगा, लेकिन 23 मार्च को जिस तरह से आरजेडी ने अनाउंस कर दिया है विधानसभा घेराव करने का, जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष के लिए कुछ मुश्किलें बढ़ सकती है। लेकिन अगर बात करें विधानमंडल की, बिहार विधानमंडल की, जब से सत्र की शुरुआत हुई तब से विपक्षी लगातार कई मुद्दों को पर सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास की। विपक्ष लगातार परिसर में हंगामा करते रहे, अंदर में भी हंगामा करते रहे, विधानसभा हो या विधान परिषद हो, विपक्षी लगातार हंगामा करते रहे। विपक्षी का साफ तौर पे कहना है कि बिहार की जनता की आवाज हम लोग सदन में रखते हैं और सरकार यहाँ पर पट्टी बंधी हुई है, जो हम लोग बता रहे हैं, जो हम लोग कह रहे हैं, बिहार की जनता की आवाज उठा रहे हैं, सत्ता पक्ष मानने के लिए तैयार नहीं है। तो एक तरह से कहा जाए तो सत्ता पक्ष जिस तरह से विपक्षी पार्टी को क्लीन चिट देती रही है इसे सदन के अंदर में, तो इसको लेकर के चाहे मुद्दा बेरोजगारी का हो या बिहार में बढ़ते अपराध का हो या फिर शराबबंदी लागू होने के बाद होम डिलीवरी का हो, जो विपक्षी लगातार इन मुद्दों को लेकर के सदन के अंदर हंगामा करते रहे हैं, तो इस पर आरजेडी ने, जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, उसने ये अनाउंस कर दिया है कि अब आखिरकार हम लोगों को विधानसभा का घेराव करना पड़ेगा। और इसी कड़ी मनोज जी, चुनाव के जब चुनाव नजदीक था उस समय भी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से बहुत पोस्टरवार हुआ था, आप देखे होंगे। और लेकिन इस समय जो विधानसभा घेराव होने से पहले जिस तरह से नीतीश जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, वो विधानसभा घेराव करने की बात कर रहे हैं और घेराव से पहले उन्होंने पोस्टर चिपकाया हुआ है, तो कितना सफर रहेगा, कैसे आप इसे देखते हैं? देखिए, पोस्टरबाजी तो पब्लिसिटी का एक माध्यम है जो पहले से भी होता रहा है, और जिस तरह से आरजेडी ने अनाउंस कर दिया था कि सत्ता पक्ष जो हम लोगों की बात नहीं सुन रही है, हम लोगों की बात को झुठला दे रही है, इसको लेकर के विधानसभा का घेराव करेंगे, और इसी का माध्यम एक कहा जा सकता है कि पोस्टर वार जो भी जो हो रहा है या जो होता रहता है वो एक माध्यम है, तो इसी का एक माध्यम है ये जो आरजेडी कार्यालय के सामने जो पोस्टर लगा हुआ है। और सबसे देखने वाली बात अवनीश यहाँ पर ये है कि जो पोस्टर लगाया गया है, मनोज जी ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो आपको बता दें कि 23 मार्च को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा घेराव करने का ऐलान किया है।